हमारी टीम ने उन फौजी अफसरों से भी बात की जो इस इलाके में, इस टेरेन में अच्छी तरह से नौकरी कर चुके हैं, वाकिफ रह चुके हैं, और उनकी सेवाएं जब वहां थी तो उनको इन सड़कों का महत्व समझ आता है, क्योंकि ले साइड में पोस्टिंग वाले अफसर हमें जानते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इस सिचुएशन पे क्या कहा, वो क्या सोचते हैं, वो भी हम आप तक लेके आए हैं। चंडीगढ़ मनाली ले ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एक्सेस है। भारतीय सेना है जो हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाके में है, उनकी विंटर स्टॉकिंग चल रही है, यानी कि सर्दियों में जब रास्ते बंद हो जाते हैं, पासेस बंद हो जाते हैं, तो रसद आसानी से नहीं पहुंच पाती है। आजकल के जो मौसम है इस दौरान स्टॉकिंग कर ली जाती है। ये रूट हमारा डिस्टर्ब होता है जैसा कि अब हो चुका है, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है जोजिला वाला रूट इख्तियार करने के अलावा। एक तो ये रूट ज्यादा लंबा है, दूसरा पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद से इस रास्ते के ऊपर कभी भी प्रहार कर डिले पैदा कर सकता है, विलंब पैदा कर सकता है, और यही कारण था कि हमने ये ऑल्टरनेट रूट मनाली वाला बनाया था। मगर सवाल ये है कि टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान कितना हुआ, इसकी डिटेल्स भी पूरी मेरे पास हैं कि इन सड़कों की इस हालत के लिए कितना नुकसान हुआ है, ये आंकलन करना जरूरी है। कीरतपुर मनाली फोर लेन सड़क पर काम कब शुरू हुआ, 2013 में। लगभग 90% काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद कीरतपुर साहिब से मनाली की दूरी 191 किलोमीटर रह गई है, पहले कितनी थी 237 किलोमीटर, यानी तकरीबन 47 किलोमीटर के आप 50 किलोमीटर के आसपास कम हो गई है। इस रूट में कम कैसे हुई ये भी बता देते हैं। इस रूट में 37 पुल हैं और 14 सुरंगें पहाड़ों को काट काट के अंदर से बना दी गई, और प्रोजेक्ट की कुल लागत, इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 10,000 करोड़ रुपए। पहले जिस कंपनी को सड़क बनाने का ठेका दिया गया वो 2017 में दिवालिया हो गई। बाद में NHAI ने दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्योंकि काम तो पूरा करवाना ही था। यही वजह है कि काम पूरा करने की डेडलाइन मिस हो गई, जो डेट दी गई थी वो मिस हो गई, 18 में पूरा होना था, नहीं हो पाया। NHAI चाहती थी कि कीरतपुर से मनाली फोर लेन 2018 तक अगर पूरी हो जाएगी, लेकिन इस लेट लतीफी कंपनी के दिवालिया होने के कारण ये मसला लटक गया। बाद में इस काम को कई हिस्सों में बांटा गया, यानी स्ट्रेच अलग अलग बांट दिए गए, भी एक 300 किलोमीटर की रोड है तो इसे 2-3 कंपनियों को बांट दो ताकि प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। कीरतपुर से नेरचौक, जो मंडी के पास पड़ता है बिल्कुल, नेरचौक से पंडो और तीसरा सेक्शन बनाया गया अकेला पंडो का, यानी पहले कीरतपुर से नेरचौक, नेरचौक से पंडो और पंडो से आगे का एक और हिस्सा हो गया। और अब ये सुन लीजिए, आपकी पंडो से मनाली तक का जो ठेका था वो अलग अलग कंपनियों को दिया गया। मनाली जब खत्म होता है पंडोर डैम आता है, पंडोर डैम के बाद जो है ऑट आता है, सुरंग आती है, कुल्लू आता है, फिर मनाली आ जाता है। फोर लेन का दूसरा पार्ट पंडो से कुल्लू अभी भी जो है वो 6 महीने पहले ही शुरू हुआ है, थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन बरसात में इसी पार्ट को काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे ही कीरतपुर से नेरचौक का जो एक बड़ा हिस्सा था उसे 2 हफ्ते पहले ही चालू किया गया, हालांकि ये कहा गया था अनुराग ठाकुर साहब की तरफ से कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, लेकिन पीएम की व्यस्तता के कारण हाईवे का उद्घाटन किए बगैर ही ये हिस्सा चालू करने पड़ा, क्योंकि लोगों को सुविधा देनी थी। अब जो भी सेक्शन होता है, मतलब जो हिस्सा होता है जहाँ धीमी गति से काम चल रहा था, मगर सैलाब की वजह से अब वो काम ठप हो गया, जो काम पूरे नहीं हुए थे वो बारिश के कारण अब रुक गए, वैसे ही वहाँ सब कुछ जो है वो तहस तहस हो गया है। सड़क फिर से बनाने पर 700 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, फालतू खर्च आएंगे। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये रोड कुदरत की मार से बच जाएगा, क्योंकि अब मौजूदा हालात देख के ऐसा ही लग रहा है। ये जो 45 लोकेशंस है हमारी कीरतपुर से मनाली तक है पूरी लोकेशंस, और इनको स्ट्रेंथनिंग के पहले हमें इस पे एनालिसिस करना है, जिसके लिए हम कंसल्टेंसी अपॉइंट करेंगे, या तो हम किसी IIT से कराएंगे या कोई एक्सपर्ट जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, तो उसके लिए प्रपोजल गया हुआ है। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी हो इसको अप्रूवल मिल जाए, ताकि हम इसकी एनालिसिस करके फिर काम करा पाए। तो इसमें काम करने में मुझे लगता है साल से डेढ़ साल तो लगेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।